ये बच्चे भी ना सुबह सुबह स्कूल के जूते पहनते हुए बाकी के सारे जूते निकाल दिए, एक भी चीज ढंग से नहीं रखते। स्मिता, स्मिता कहाँ हो? स्मिता यही हूँ। वो बारिश हो रही थी ना तो वो कीचड़ उड़। और मानव ये जूते? ये भी मांस। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ ये जूते इस तरह क्यों फेंके हैं? कितनी बार कहा है जूते इस तरह मत फेंका करो। अब की बार मैं नहीं उठाने वाली हूँ, तुम लोगों को ही उठाना पड़ेगा। कितनी बार कहा है लेकिन समझते ही नहीं हो। सीता बच्चे समझ जाएंगे, बड़े होंगे तो समझदार हो जाएंगे। अच्छा हाँ। आपको देखकर तो नहीं लगता हाँ? आपके भी जूते उतने ही गंदे हैं। आप भी ना। अरे वो सब बाइक वाले फुरू करके। स्मिता सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। ओ हे बच्चों, सारी चॉकलेट्स खा मत जाना, मम्मी का भी है उसमें। पर चॉकलेट तो खत्म हो गई। शरारती बच्चे, इतनी देर में इतनी सारी चॉकलेट्स खा गए। चलो कोई बात नहीं। बस आज हम बहुत खुश हैं और इसी खुशी में हम आपके लिए खीर ले आए हैं। खाओ बस, खाओ बस, खाओ। अरे वाह रोहित केवल वाह, जिंदगी में पहली बार मुझे कुछ दे रहे हो तुम लोग। अब बैठो ना, आराम से बैठो, आराम से बैठो। चलो बस आराम, खीर खीर। हां लो जल्दी करो जल्दी। वाह क्या टेस्टी है खीर यार, बहुत टेस्टी है। मस्त खीर लाई है यार तुम लोगों ने। टेस्टी है ना बस। तभी तो आधी खीर बिल्ली खा गई। माँ आज कोई डिशम डिशम वाली कहानी सुना। डिशम डिशम? ए बल्लू लल्लू तू चुप कर वरना पीट दूंगी, समझा। माँ अब परीलोक की कहानी सुनाओ। अरे परीलोक परीलोक कुछ नहीं होता। होता है नहीं होता, होता है नहीं होता, होता है होता है नहीं होता, होता है नहीं होता। चुप रहो। तुम दोनों को कहानी नहीं सुननी तो बाहर जाओ, मुझे सुनने दो। सॉरी। ठीक है मैं तुम लोगों को एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाती हूँ। एक परीलोक है, उस परीलोक में एक बहुत बड़ा झरना बहता है। उस झरने के ऊपर खूब सारी तितलियां उड़ती हैं और उस परीलोक में बहुत सारी सुंदर सुंदर परियां भी हैं। उन परियों की रानी थी रानी परी। बस रह जाएगी एक ही बुरी शक्ति, भयंकर परी। तेरे से आ जा रे अखियान में बिंदिया आ जा, तेरे से आ जा। ये क्या है? मेरा चेहरा। चेहरे के ऊपर क्या है? लो नाक है, आंख है। करेक्ट, नाक के नीचे और होठ के ऊपर, वो क्या? मूंछ है। हाँ तो वो क्यों चिपकाई है? चिपकाई नहीं है बाबा, आई है। उम्र के साथ साथ मूंछ अपने आप उग जाती है। और इसमें भी दो ऑप्शन होते हैं, एक तो मूंछ रखिए और एक तो मूंछ मत रखिए। तो उसमें से दूसरा ऑप्शन आपने चूज किया, पहला मैंने, सिंपल। और पापा अब तो ऐसे चौकड़े जैसे आप मुझे मुझ पर पहली बार देख रहे हो। ओ, पहली बारी तो देख रहा हूँ। डोंट टच पापा, कपड़े खराब होते हैं। ए भाई तू ऐसे बड़ों की तरह क्यों बातें कर रहा है तू? ओहो पापा आप बड़ों के लिए ना बच्चे बच्चे ही रहेंगे। कम ऑन पापा ग्रो अप, अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ। <आ, आ, आ, laughs>
क्या मजाक है, पता नहीं कब बड़े होंगे आप सब। ओ हम लोग तो बड़े हैं ही, ये तू बड़े होने की एक्टिंग बंद कर। ये सब आपकी वजह से हुआ है, कल आप ही कह रहे थे ना बड़े हो जाओ बड़े हो जाओ, लो हो गए बड़े। अब चिपका लेना इसने मुझे अपनी चिपकू हमसे, वो भी ऐसे कि निकल ही नहीं रही है। अरे लेकिन मैंने ऐसे रातों रात बड़े होने को थोड़ी कहा था। बाबा मैं बड़ा ही हूँ, फॉर गॉड से क्या हो गया आप लोगों को, ये मेरे असली मुझे हैं। रखे जादू डोंट टच, और अगर आप लोगों ने दोबारा मुझ पर अटैक किया तो मैं वकील होने के नाते आप सब पर केस कर दूंगा। मानव बस अब बहुत हो गया, मजाक बंद करो और जाओ, जाकर स्कूल जाने की तैयारी करो। मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ। रानी परी मुझे संदेह है कि जो शैतानी शक्ति मेरे सुरक्षा कवच से टकराई थी वो शैतानी शक्ति भयंकर परी की भेजी हुई बुरी शक्ति थी। हाँ बालवीर, भयंकर परी की सिवाय हमारा और कौन दुश्मन हो सकता। लेकिन शुक्र है बालवीर, आपके सुरक्षा कवच की वजह से वो बुरी शक्ति आपको कोई चोट नहीं पहुंचा पाई। लेकिन बालवीर हम इस बात से निश्चिंत होकर तो नहीं बैठ सकते, हो सकता है कि जिस शैतानी शक्ति ने बालवीर पर वार किया उसी ने दूसरे बच्चों पर भी वार किया। अगर ये बात सच हुई तो पृथ्वी लोक के बच्चों की जान खतरे में हो सकती है। हमें सतर्क रहना होगा और बच्चों पर कड़ी नजर रखनी होगी। हाँ क्योंकि भयंकर परी हार मानने वाली नहीं, वह अपने हार का बदला लेने के लिए कोई भी खतरनाक चाल चल सकती है। बिल्कुल सही कहा तुमने बालवीर, भयंकर परी बुराई का प्रतीक है और भले ही इस वक्त वो अपनी शक्तियों से कमजोर हो, मैं किसी भी कीमत पे भयंकर परी को बच्चों को चोट पहुंचाने नहीं दे सकता। बच्चों की खुशी और उनकी सुरक्षा ही हमारा परम कर्तव्य है और इसीलिए हम सारी परियों को निर्देश देते हैं कि जब तक उस बुरी शैतानी शक्ति का पता नहीं लग जाता सारी परियां बच्चों का विशेष ध्यान रखें। जी रानी परी। अरे आप सब तो मुझे ऐसे देख रहे हैं कि आपने मुझे इस रूप में पहली बार देखा है। माँ टिफिन में क्या है? तुम्हारा फेवरेट थेपले और अचार, वो भी घी में बनाए हुए। माँ मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे कुछ हल्का ही देना, फ्रूट या सलाद, वैसे ही मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है। ए भाई ये तुम दोनों ये बड़ों की एक्टिंग करना बंद करो, मैं मेरी हार मानता हूँ, तुम लोगों का बचपन ही अच्छा है। कम ऑन पापा, जब हम छोटे थे तब आप ही कहते थे कि बड़े हो जाओ वही अच्छा है, अब जब हम बड़े हो गए तब आप ही कह रहे हो कि छोटे ही अच्छे थे। महर उनको समझाते समझाते दिन निकल जाएगा पर इन्हें समझ में नहीं आएगा, हमारे पास बहुत काम है। चले बाय मम्मी, बाय पापा, बाय रॉकी चाचू, बाय दादी। चल अरे जाइए ना। ए रुको रुको मैं आता हूँ। मैं छोड़ दे
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.